केंद्रीय विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम लोग कक्षा 5 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 13 हमारा संविधान। आज हम लोग अपने संविधान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संविधान सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। लिखित रूप से कानून की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। लिखित रूप से कानून की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो हम लोगों का भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए जानते हैं संविधान के बारे में। सन 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सर 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। हमें उनके बनाए कानून का पालन करना पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना पड़ता था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी की स्वतंत्रता मिली। कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली। अब हमें अपने देश की व्यवस्था एवं नए ढंग से चलाने के लिए कानून और नियमों को बनाने की आवश्यकता है। अपने देश को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ी। कानून तथा नियम के इस संग्रह को संविधान कहते हैं। कानून तथा नियम के इस संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान बनाने का काम समस्त देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने किया। इस सभा को संविधान सभा कहा गया है। इस सभा को संविधान सभा कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। फिर कुछ विद्वानों ने एक समिति बनाई जिसने संविधान लिखने का कार्य किया और संविधान सभा के विचार विमर्श बहस के लिए प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के प्रमुख थे। इस समिति के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के प्रमुख थे। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के हमारा भारतीय संविधान तैयार किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 6 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 से संविधान को सारे भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 में संविधान को सारे भारत में लागू कर दिया गया। इस दिन भारत का एक गणतंत्र देश बना। इस दिन 26 जनवरी 1950 भारत एक गणतंत्र देश बना। 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि अभी हाल ही में हम लोगों ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। अब किसी एक व्यक्ति का शासन राज नहीं है। जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि चुनती है जिन्हें सांसद या एमपी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें सांसद या एमपी कहते हैं। या प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं तथा शासन प्रबंध चलाते हैं। इस प्रकार के राज्य को गणतंत्र राज्य कहते हैं। अब भारतीय संविधान के कुछ उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत स्वतंत्र प्रभुता संपन्न देश है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत स्वतंत्र प्रभुता संपन्न देश है। इसका अर्थ है कि हम यह अपने नियम कानून का ना कानून स्वयं बनाएगा। यह अपना नियम कानून स्वयं बनाएगा, खुद बनाएगा। संविधान में हमारे देश के कल्याणकारी राज्य कहा गया है।
संविधान में हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। भारतीय संविधान गणतंत्र के प्रमुख उद्देश्य कुछ निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। पहला है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय शासन वंशानुगत न होकर जनता के लिए जनता द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधि संविधान के नियमों के अनुसार सरकार चलाने का काम करेंगे। दूसरा है विस्तृत लिखित एवं परिवर्तनशील। हमारे देश के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 6 अनुसूचियां हैं। आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार हमारे संविधान में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तीसरा है समाज। संविधान में हमारे देश को कल्याणकारी राज्य कहा गया है। इसमें सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। समाजवाद का अर्थ होता है सबके लिए समान अधिकार तथा समान अवसर। चौथा है धर्मनिरपेक्ष तथा न्याय। सरकार सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, जैसे नौकरियां देने में और न्याय करने में धर्म और जात के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। न्याय में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय देना सम्मिलित है। हमारे राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सबसे ऊपर का अधिकारी होता है। देश में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार तथा 10 मूल कर्तव्य बताए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से ग्रहण किए हुए मौलिक अधिकार देखते हैं। भारत का प्रत्येक मूल जन्म से निवासी का भारत का नागरिक है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रतिनिधि को चुनाव वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। इसके कुछ मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार कानून के लिए सभी के लिए व्यवहार बराबर है। सभी व्यक्ति बराबर है, सभी के लिए व्यवहार बराबर है, चाहे उनकी जात, धर्म यानी कोई भी हो। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिक अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र। सभी नागरिक, भारतीय नागरिक अपने विचार को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे कोई भी व्यवसाय करने तथा भारत में कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र हैं। वे सभा कर सकते हैं और संघ भी बना सकते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसी से भी किसी से भी बेगार नहीं ली जा सकती। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से वेतन देकर भी मजदूरी नहीं कराई जा सकती। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा से धर्म को मानने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक नागरिक अपने रीति रिवाज और त्यौहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। उसे अपने विशेष वेशभूषा, भाषा या लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह किसी नागरिक के मूल अधिकारों में कोई भी बाधा पैदा करता है तो उसे न्यायालय से सुरक्षा मांगने का अधिकार है। न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे इन व्यक्तियों, संस्थानों या सरकार के खिलाफ फैसला दे। सातवां है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार
स्थान मिलना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 25% सीटें निर्धन वर्ग छात्रों के लिए आरक्षित करना निश्चित कर दिया गया है। मूल कर्तव्य, जो हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं, इसके बारे में हम जान लें। संविधान के अनुसार मानव को अधिकार की सही उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन भी करे। उदाहरण के लिए, हमें लाउड स्पीकर पर गाने बजाने का अधिकार है, किंतु हमारा कर्तव्य है कि हम उतनी ऊंची आवाज में गाना बजाएं कि दूसरों की पढ़ाई में बाधा न पड़े या उनके कानों को सहन हो। जैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। हमारे संविधान में कुछ मूल अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन को भी समझा गया है। संविधान में दिए गए कुछ मूल कर्तव्य इस प्रकार है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और परिवर्तनशील है। पहला है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा, राष्ट्रगान यानी जनगण मन का आदर तथा संविधान का पालन करना चाहिए। दूसरा है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा है हमें अपने देश भारत की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश भारत की रक्षा करनी चाहिए। चौथा है अपने देश के सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। छठा है स्वतंत्रता के लिए देश के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोकर उनका पालन करना चाहिए। सातवां है हमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। आठवां है हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। नौवां है हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना चाहिए। दसवां क्या है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आइए कुछ दोहराते हैं लिखित रूप में, फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखित रूप में कानून की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। ये कुछ बातें याद करने योग्य हैं। कोई पूछता है आप लोगों से कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे लिखित रूप से कानून की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान लिखने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के यह हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ था। भारत देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। हमारे भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया हमारा संविधान, संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। आप लोग इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।